हुज़ूर, ये सही बुखारी की एक हदीस है, अरबी में पढ़ दूँ या इसका तरजुमा पढ़ जिस तरह पसंद फरमाए। तो अरबी में है, अने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह, उर्दू में पढ़ लें। उर्दू तर्जुमा है, किसी मुसलमान पर यह जायज़ नहीं है कि वो कि अगर उसके पास माल और दौलत हो और वो वसीयत कर सकता हो तो वो बग़ैर वसीयत के दो रातें गुजारे। इसकी प्रैक्टिकल किसकी, किस हदीस की है? बुखारी की जी। हाँ, ये हदीस ऐसी हदीस है जिसको यहाँ पेश नहीं किया जा सकता। मैंने इफ्तार से मुतल्लिक ताल्लुक़ रखने वाले सवालों का हमेशा यही जवाब दिया है कि मुफ्ती साहब हैं, उनको भेजें, उनका फ़र्ज़ है कि सारी मिलती जुलती अहादीस देख कर फिर जवाब दें। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बातचीत में हल किया जाए, क्योंकि जो फ़िक्री मसाइल हैं उनकी छानबीन के लिए ज़्यादा गहरी तहकीक की ज़रूरत हुआ करती है। एक मज़मून से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ अहादीस देखनी पड़ती हैं, उस फरमान का महल देखना पड़ता है, किस मौके पर वो फरमाया गया। तो इसलिए इस सवाल को आप रब्बा भेजें, मुफ्ती साहब जो जवाब भेजेंगे उसकी नकल मुझे भी भेज देते हैं, अगर उसमें मैंने कोई गलती समझी तो मैं फिर बता दूंगा उनको, फिर वो आप ही आपको ठीक कराएंगे। ठीक है जी।